नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि झारखंड अपने अंदर नव ऊर्जा समाहित कर आगे बढ़ रहा है और इस राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए यह ऊर्जा कारगर साबित होगी। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही। श्री सोरेन ने कहा, झारखंड राज्य के अंदर संसाधन मौजूद हैं जिसके बल पर झारखंड को विश्व स्तर पर पहचान दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आंतरिक व्यवस्था को अवसर में बदलने का मौका है जिसके लिए सुंदर, अनुशासित और शांतिप्रिय व्यवस्था बनानी होगी, तभी लोगों का आकर्षण राज्य की ओर बढ़ेगा। रोजगार से जुड़ेंगे ग्रामीण युवा 2000 का चयन। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 2000 ग्रामीण युवक युवतियाँ का चयन किया गया है। बता दें, इन युवाओं की सूची भारत सरकार को भेज दी गई है। रोजगार देने से पहले उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नलिन सोरेन उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस रविवार को सादगी पूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक नलिन सोरेन को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि पहली बार विधानसभा का स्थापना दिवस नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में मना। JSSC व JPSC को 25 से अधिक पदों को जल्द भरने का निर्देश। राज्य की JPSC व JSSC की लंबित परीक्षाओं के साथ करीब 1.5 दर्जन परीक्षाओं पर लगा ग्रहण अब खत्म हो गया है। बता दें, सरकार की हरी झंडी के बाद दोनों आयोग को राज्य को विभिन्न पदों के लिए करीब 25,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की इस समय भारी कमी चल रही है। ऐसे में एक एक अधिकारी और कर्मियों के ऊपर अतिरिक्त काम का दबाव है। राज्य सरकार ने JPSC और JSSC को सभी लंबित परीक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द आयोजित कराने को कहा है। कोरोना वायरस के सेकेंड फेज को लेकर झारखंड में अलर्ट, मास्क की होगी चेकिंग। कोरोना वायरस के सेकेंड फेज को लेकर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। कई जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी अपने अपने स्तर से सतर्कता बरत रहे हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में चौकसी तेजी कर दी गई है। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ी है। पूर्वी सिंहभूम इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सूचना है कि कोरोना से मृत्यु दर बढ़ने के बाद स्थानीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि मास्क की गहन चेकिंग होगी। दूसरे राज्यों से सटे झारखंड के जिलों में भी मास्क की चेकिंग तेजी करने का संबंधित आदेश हुआ है। 1 रुपए की टोकन मनी से 7,61,000 किसानों के ऋण होगा माफ। झारखंड सरकार राज्य के करीब 7,61,000 किसानों का कृषि ऋण माफ करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। सरकार 1 रुपए की टोकन मनी में किसानों का कृषि ऋण माफ करेगी। बता दें, योजना की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है, लेकिन कई किसानों के KCC खाते आधार से लिंक नहीं है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं है, वह जल्द से जल्द अपने खातों को आधार से लिंक करा ले। इंडियन एयरफोर्स रैली में ग्रुप एक्स पदों पर भर्ती 28 नवंबर तक करें आवेदन। इंडियन एयरफोर्स रैली के जरिए ग्रुप एक्स पद पर बम्पर भर्तियां करने जा रही है। बता दें, ये रैलियां झारखंड के युवाओं के लिए आयोजित होगी। दिसंबर में आयोजित होने वाली इस भारतीय वायुसेना भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए 27 नवंबर 2020 सुबह 8 बजे से 28 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये भर्ती रैली 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। इनमें अधिकांश पदों के लिए साइंस 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। सरना आदिवासी धर्म कोड विधानसभा से पारित होने पर निकाला जुलूस। सरना आदिवासी धर्म कोड विधानसभा से पारित होने की खुशी में रविवार को जुलूस निकाला गया। बता दें, आयोजन संयुक्त धार्मिक संगठनों की ओर से किया गया। पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न जगहों से पिस्का मोड़ तक नाचते गाते हुए जुलूस निकाला गया। नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य रखे सरकार, शिक्षक। झारखंड सरकार ने नियोजन नीति पर दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य सामने रखना चाहिए। इसमें यह बताना चाहिए कि 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित करने की अधिसूचना राष्ट्रपति की तरफ से जारी की गई है। इसके आलोक में नियोजन नीति बनाई गई।
हाई कोर्ट के समक्ष इस तथ्य को नहीं रखा गया। राज्य सरकार की तरफ से तय नियोजन नीति और राज्यपाल के अधिकार का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। हकीकत यह है कि यह संसद से तय किया गया अधिकार है। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन अन्य भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 26 नवंबर 2020 को कोल्हान प्रमंडल और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा जिले में 1-2 स्थान पर गरज के साथ हल्के दर्ज की वर्षा हो सकती है। झारखंड में 137 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 77, बोकारो 7, देवघर 5, दुमका 3, पूर्वी सिंहभूम 5, गढ़वा 12, गिरिडीह 2, गोड्डा 6, हजारीबाग 4, जामताड़ा 2, कोडरमा 1, पलामू 4, रामगढ़ 4, सरायकेला 3, पश्चिमी सिंहभूम 2 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 107,469 है, जबकि 104,230 लोग स्वस्थ हुए और 950 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 91,39,560 है, जबकि 85,60,625 लोग स्वस्थ हुए और 133,750 की मृत्यु हो गई। भारत में 43,652 नए केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 443,125 है, वही झारखंड में एक्टिव केस 2,289 है। अस्थाई लाइसेंस के लिए स्लॉट की संख्या बढ़ेगी। रांची जिला परिवहन कार्यालय अस्थाई लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए स्लॉट की संख्या बढ़ाने जा रहा है। स्लॉट की संख्या बढ़ाने के लिए डीटीओ ने एनआईसी को निर्देश दिया है। अस्थाई लाइसेंस के लिए पहले स्लॉट की बुकिंग करनी पड़ती है, इसके बाद ही मोराबादी मैदान में ड्राइविंग टेस्ट में सम्मिलित हो सकेंगे। बता दें, वर्तमान में एक दिन में 180 लोग स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। सोमवार से इसे बढ़ाकर 200 किया जाएगा। 8वीं के 41,000 विद्यार्थी का परिणाम 25 तक जारी होगा। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिया जाना है। 41,000 विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि विद्यार्थी का रिजल्ट 25 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। साल 2020 की 8वीं बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को 20% तक ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। रिम्स में पीएचडी कोर्स के लिए 15 तक करें आवेदन। रिम्स झारखंड का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ फिलहाल पीजी तक की पढ़ाई होती है, लेकिन अब रिम्स ने इस सत्र से पीएचडी कोर्स भी शुरू कर दिया है। बता दें, नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद इसे एम्स से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि रिसर्च उनकी पहली प्राथमिकता में सम्मिलित होगी। पदभार ग्रहण करने के चौथे ही दिन उन्होंने संस्थान में इसी सत्र से पीएचडी कोर्स की शुरुआत कर दी है। यूनानी दवा पर शोध करेंगे रिम्स के 2 डॉक्टर। कोरोना की तबाही के बाद पूरी दुनिया उसका काट ढूंढने में लगा है। देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी एक्सपर्ट डॉक्टर कोरोना की दवा और काट खोजने में लगे हैं। इसी के तहत रिम्स के डॉक्टर को भी कोविड-19 पर शोध की अनुमति आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई है। अब रिम्स में आयुष मंत्रालय के सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिकेशन की यूनानी दवाओं का शोध कोविड-19 के मरीज पर किया जाएगा। बता दें, यह शोध 50 मरीजों पर किया जाएगा, जो 3 तरह के लोगों पर किया जाएगा। 10 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर आलोक मुठभेड़ में ढेर। झारखंड और बिहार का आतंक भाजपा माओवादी का जोनल कमांडर आलोक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। वह गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के महुआवारी गांव में कोबरा बटालियन और भाकपा माओवादी के बीच हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। बता दें, उसके साथ 2 और लोग भी मारे गए हैं, उसमें एक धनगांव के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव तथा दूसरा ग्रामीण है। बता दें, उसके आतंक को देखते हुए झारखंड सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। मजदूरों की हड़ताल को कोल इंडिया ने बताया अवैध। देश के 10 श्रमिक संगठनों के द्वारा 26 नवंबर को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में राज्य की ट्रेड यूनियन भी सम्मिलित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने इसे अवैध करार देते हुए कहा है कि काम नहीं तो वेतन नहीं। कोल इंडिया के अध्यक्ष इन दिनों राजधानी रांची में सेंट्रल कोल फील्ड के दौरे पर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर होगा समाधान। देवघर नव पदस्थापित डीसी। देवघर नव पदस्थापित उपायुक्त मंजुनाथ भजंतरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थल निरीक्षण के साथ मामलों की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।
बता दें, तिवारी चौक के समीप एक बीमार अवस्था में सड़क के किनारे बेसुध पड़े गाय की सूचना फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके पश्चात उनके द्वारा उक्त मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गौ माता के इलाज हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पाकुड़ पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनोज मुर्मू को किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों का वांछित व लंबे समय से फरार कुख्यात अपराधी मनोज मुर्मू को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेजा है। यह जानकारी एसपी मनीलाल मंडल ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात मनोज मुर्मू लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के अपने गाँव में देखा गया। जेपी नड्डा ने लालू यादव को बांग्ला दिए जाने पर उठाए सवाल। जेएमएम बोली, अपने गिरवान में झांके बीजेपी। चारा घोटाला मामले में सजायाप्त रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर झारखंड सरकार पर निपोटिज्म पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी को नसीहत देते हुए अपने कार्यालय में उनके नेताओं को दी गई सुविधा को देखने की सलाह दी है। रांची विश्वविद्यालय में एमएससी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। रांची विश्वविद्यालय के एमएससी सत्र 2020-22 के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। बता दें, छात्र छात्राएं पोर्टल jharkhanduniversity.nic.in के माध्यम से नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। फॉर्म की कीमत सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, वहीं एससी एसटी विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये है। दुमका, पत्थर कारोबारी को मारने वाले मुन्ना राय समेत 5 गिरफ्तार। पत्थर व्यवसायी को गोली मारने एवं रंगदारी मांगने के आरोप में मुख्य आरोपी मुन्ना राय सहित 5 को गिरफ्तार कर शिकारीपाड़ा पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर एसपी अंबर लकड़ा ने दी। पलामू में राजा मेदिनी राय की याद में शुरू हुआ मेला। पलामू जिला के सतबारवा प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक मेला रविवार से शुरू हुआ। यह सदियों से लगते आ रहा है। बता दें, इस वर्ष प्रशासनिक रोक के बाद भी फुलवरिया गांव और अंगा नदी के तट पर मेला लगा। इसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मेले के साथ पिकनिक का भी आनंद उठाया। राजा मेदिनी राय का ऐतिहासिक किले को देखा। इस मेले में बड़ी संख्या में दुकानें लगी है। 4थी बार प्लाज्मा डोनेट करने पर मोहित सम्मानित। कोरोना संक्रमण को मात दे चुके लोग बढ़ चढ़कर प्लाज्मा दान कर रहे हैं। रिम्स ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर सुषमा कुमारी ने बताया कि रिम्स ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा 500 यूनिट के ऊपर निकल चुका है। इसमें से कुछ डोनर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार प्लाज्मा डोनेट किया। बता दें, ऐसे ही एक प्लाज्मा डोनर मोहित चोपड़ा ने रविवार को रिम्स ब्लड बैंक आकर 4थी बार प्लाज्मा डोनेट किया, जिसे रांची जिला प्रशासन की ओर से प्लाज्मा डोनेशन अभियान प्रतिरक्षक के नोडल अधिकारी संजय कुमार ने उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोरोना पॉजिटिव पूर्व मंत्री ओपी लाला का रिम्स में निधन। कोरोना पॉजिटिव पूर्व मंत्री ओपी लाला का रविवार को रांची के रिम्स में निधन हो गया। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एकीकृत बिहार में मंत्री रह चुके ओपी लाला के निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव, विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल, स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। धन्यवाद।